वेलकम टू ऑल, आप सभी लोगों का स्वागत है एन के मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अकाउंटिंग के एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के सभी प्रकार के, अगर कोई डाउट्स वगैरह होते हैं तो वो यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। ये हर क्लासेस के लिए, जिसमें भी पार्ट में आप अकाउंट आता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 1000 एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो मेरे भाई बस जुड़े रहिए। और इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं और सब लोग अपने क्वेश्चंस को, आंसर्स को एक बार मेरे साथ टैली करते चलिएगा। मैं यहां पे फुल एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है ये, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्री प्रिपेयर्ड बाय। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? अकाउंटेंट बिजनेस का मैनेजर, कंसोलिटर ऑफ बिजनेस या अकाउंटेंट ऑफ द बैंक? तो देखिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक पर्सन अपने पास बनाता है इस बात को चेक करने के लिए कि उसका जो बैंक का बैलेंस है और जो अपने पास ये वो बुक बना रहा है बैलेंस की, वो दोनों मैचेबल है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के कारण डिफरेंस इसमें क्रिएट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने चेक को सबमिट करने के लिए अपने अकाउंट में भेजा लेकिन डिसऑनर्ड हो गया, या हो सकता है किसी ने डायरेक्ट डिपॉजिट करा वो मुझे नहीं पता, तो सीधी सी बात है मैं अपनी बुक्स में एंट्री नहीं करूंगा लेकिन बैंक में हो चुकी है। तो ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन का स्टेटमेंट का पार्ट रहता है, इसको भी हम लोग अभी सीखेंगे। तो सबसे सही जवाब इसका ये होगा, अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। डेबिट नोट इज द बेसिस फॉर द रिकॉर्डिंग इन द ट्रांजेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स। डेबिट नोट किसके लिए बनाया जाता है? तो डेबिट नोट के बारे में याद रखिएगा, डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए बनता है, परचेज रिटर्न के लिए। और अगर आप बात करेंगे क्रेडिट नोट की, तो क्रेडिट नोट किसके लिए बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, वो बनेगा सेल्स रिटर्न के लिए, अगर क्रेडिट नोट की बात करूंगा तो। ये ऐसी जानकारी है जो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following financial statement show the financial position of the business a specified date? एक particular date की कौन financial statements को show करता है? तो इसका जवाब है balance sheet। एक person की balance sheet ही इस चीज को show करती है। हम सबसे पहले generals entry करते हैं, फिर उसके बाद में उसका laser बनाते हैं, फिर trial balance होता है और उसकी help से trading P&L और last one जो होती है वो balance sheet होती है। इससे हमें ये पता चलता है उस financial year में हमारे कितने उतार चढ़ाव आए और हमें profit क्या हुआ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बैलेंस शीट की लास्ट हम लोगों को सपोर्ट करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं डिसमेंटलिंग एंड डीमोडलाइजेशन चार्जेस इज क्या हैं। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है आप लोगों को। वैसे तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे लिंक आइकॉन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मिल जाएगा, बट यहाँ पे लास्ट आंसर इसका करिएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो एक लॉन्ग टर्म होते हैं, जो आप बार बार करने वाले नेचर के नहीं होते। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं एक कंपनी को चलाने के लिए, जो बार बार होंगे, जैसे रेंट खरीद देना या मान लीजिए आप लोगों का बिजली का बिल देना, टेलीफोन का बिल देना। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो इसी फाइनेंशियल ईयर के अलावा बाकी भी रिटर्न ऑफ किए जा सकते हैं। इसका कंप्लीट वीडियो एक बना रखा है मैंने, आप वहां से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ, प्रॉफिट किसका पार्ट होता है? इनकम का, ऑनर की कैपिटल का, एसेट्स का या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका सही जवाब होगा ऑनर की कैपिटल का। आप लोगों ने देखा भी होगा जो भी नेट इनकम वगैरह होती है उसमें बैलेंस शीट में पर्सन की जो इनकम होती है, पर्सन की जो कैपिटल होती है उसमें ऐड करके दिखाते हैं, है ना, तो ऑनर की कैपिटल का पार्ट होता है ये। अगला, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द ऑनर्स ऑफ बिजनेस इज रिकॉर्डेड ऑन विच ऑफ द साइट। यानी कि अगर मान लीजिए जो आप लोगों का रोकड़ भाई है, यानी कि एक तरह से आप लोग उसे बोल सकते हैं कैश बुक ऑफ अ कैश बुक, एक जो कैश बुक है उसका अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको हम रिक्शो के धर करते हैं। अगर मतलब मान लीजिए जो व्यवसाय का स्वामी है उसकी हम पूंजी का परिचय देना चाहते हैं तो वो कहाँ पे आती है? तो कैपिटल जो होती है वो हमेशा रिसीप्ट में शो होती है। कहाँ पे? रिसीप्ट में। ये पेमेंट का पार्ट थोड़ी ना है, ये रिसीप्ट एंड इनकम का पार्ट है, तो रिसीप्ट में आप लोगों की शो होगी। अगला, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब वो होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको डेब्टर क्रेडिटर्स इससे पहले पढ़ाए हैं, है ना,
अब मान लीजिए मुझे सामने वाले से कुछ रुपए लेने थे, ठीक है सर, क्योंकि मैंने उसे उधार सामान बेचा था, मुझे कुछ रुपए लेने थे, लेकिन अब वो दिवालिया हो गया, अब उसने बोला भाई मेरे पास रुपए नहीं है, मैं नहीं दे सकता, तो वो बैड डेब्ट्स होते हैं। लेकिन सडन उसके पास कहीं से रुपए आ गए, उसने मेरे पैसे लुटा दिए, तो अब ऑब्वियसली बात है अगर बैड डेब्ट्स मेरे रिकवर हो रहे हैं तो उससे मेरी नेट इनकम क्या होगी, बढ़ जाएगी, बात खत्म। ए इज द राइट आंसर। अगला, द जनरल एंट्री इन विच टू और मोर अकाउंट डेबिट और क्रेडिट इज रेफर्ड टू एज, जिस एक छोटी एक एंट्री जिसमें दो या दो से ज्यादा अकाउंट जो हैं वो डेबिट या क्रेडिट करे जाते हैं, मतलब एक साथ डबल एंट्री, जैसे मैं एक समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक नॉर्मल एंट्री करी, मैंने मान लीजिए कोई गुड्स परचेज करा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में परचेज करा, ठीक है, ये एक नॉर्मल एंट्री है। अब मान लीजिए मुझे उस पर डिस्काउंट भी रिसीव हुआ, तो अब मैं इसी की एंट्री इसी के साथ कर दे रहा हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो अब ये वाली एंट्री जिसमें मैंने एक साथ दो एंट्री करने की जगह एक सिंगल एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट टू कैश और डिस्काउंट टू कैश, इसकी एक सिंगल एंट्री कर दी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। ये एक सिंगल एंट्री है, नॉर्मली है, कंपाउंड इसको बोलेंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा खाते डेबिट या क्रेडिट किए जाते हैं, उसे कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल बैलेंस ऑफ अ रेंट एक्सपेंस अकाउंट। ओके, अब आपका ये पूछा गया है रेंट एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंस कैसा शो होता है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपके सभी एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे उनका जो अमाउंट आता है वो डेबिट बैलेंस आता है, और आपकी सभी इनकम का अमाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा, ये वाली बात ऑलवेज याद रखिएगा, ये हमेशा आपकी काम की हेल्प करेगी। तो राइट आंसर क्या होगा, डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन खत्म हो गया। विच आर द फॉलोइंग इन्वेंट्रीज वैल्यूएशन मैथड शो द हायर प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द राइजिंग प्राइसेस। अगर दाम बढ़ रहे हैं तो वो कौन सा होगा जो ज्यादा प्रॉफिट दिखाएगा, तो इसका सही जवाब है फीफो। फीफो की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो आपने पहले खरीदा है सबसे पहले उसी को निकालिए, ठीक है ना, ठीक है। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपने लास्ट में खरीदा है पहले उसको निकालिए। वेटेड एवरेज कॉस्ट, एक एवरेज कॉस्ट निकाला जाता है और एक सिंपल एवरेज मेथड होता है, इसको हम लोग स्टॉक के टॉपिक में पढ़ेंगे, तो इसका सही जवाब होगा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय करा होगा, सभी एमसीक्यूज आप लोगों की हेल्प करेंगे, हम 1000 एमसीक्यूज की सीरीज के साथ हैं, तो आज हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है, तो उसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोगों के साथ होती रहे। थैंक यू सो मच।